हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं सभी लोग? हम लोग सुबह सुबह उठकर तैयार हो गए हैं और बहुत गर्मी लग रही है। जा रहे हैं हम लोग शिवी के साथ घूमने। शिवी नींद में, क्योंकि गाइस सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हम लोग उठ के तैयार होकर पहुंच गए हैं। कहाँ? रेलवे स्टेशन। वो देखिए पीछे मेरे ट्रेन और इधर भी मेरे ट्रेन। बीच में हम लोग खड़े अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आएगी। और ये इनके पापा पसीने से पूरे तर बतर। उधर हम लोग के पूरे लगेज पड़े हुए, मम्मी भी बैठी हैं। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं देखने के लिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल में आगे तक बने रहिए। तो गाइस अब हम लोग एंटर कर चुके हैं वाराणसी। यहाँ पर हम लोग आए हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए और साथ ही साथ एक और मेजर काम है जो करना है। वो क्या है वो देखने के लिए वीडियो में आगे तक बने रहिए। फिलहाल आप देख रहे हैं ना, ये वाराणसी है, मतलब कि बनारस। और आप ये मतलब देख के लग ही नहीं रहा है कि ये लखनऊ नहीं है। मतलब ये देख रहे हैं आप, जैसे लखनऊ में फ्लाईओवर और बिल्डिंग्स वगैरह बनी है, वैसे ही है। मतलब मैं तो नहीं गई थी, काफ़ी टाइम हो गया था, काफ़ी पहले गई थी। और जब मैं यहाँ पर आ रही हूँ ना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बदल सा गया हो। मेरा मतलब इमेजिनेशन ये था कि हाँ थोड़ा सा टूटा फूटा होगा, पुराना सा होगा, लेकिन भाई बहुत अच्छा डेवलप हो गया है वाराणसी में। और हम लोग को रिसीव करने के लिए मामा आए हुए हैं और इनको देखिए महारानी को कहाँ पैर रख के बैठी है। तो मामा मतलब कि मेरे मम्मियाँ ससुर और मम्मियाँ सास, मामा मामी। और मैं मामा मामी ऐसे बोलती रहती थी, मुझे पता नहीं था कि वो मेरे सास ससुर लगते हैं। तो ऐसे ही मामा जब आए स्टेशन पर, मैंने कहा हाँ मामा ये लीजिए बैग रख लीजिए। मम्मी कह रही बेटा वो तुम्हारे मम्मियाँ ससुर और मामा ससुर लगे। तो गाइस ये वीडियो बांट दिए, हम लोग घर गए खा पिए, उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं काशी विश्वनाथ नहाने के लिए। तो ये मामा की बेटी बीच वाली और ये मामा का बेटा है जिसको मम्मी उठा रही हूँ कि भाई देख लो, और ये सबसे छोटा वाला बेटा है। हम लोग ऐसे बढ़िया मैं कह रही हूँ घर गए और हम लोग जा रहे हैं काशी विश्वनाथ नहाने के लिए। मामा आया भाई घुमाने की पूरी जिम्मेदारी ली है। तो भाई ये है चौराहा जो काशी विश्वनाथ जाने वाले रास्ते पे पड़ता है। इसमें आप सीधे जाओगे ना तो काशी विश्वनाथ का रास्ता पड़ेगा, तो आप नहा वहा सकते हो। तो ये चौराहे टाइप का था भाई, रात में चुप गया, इसका व्यू आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस फाइनली इंतजार खत्म हुआ और हम लोग पहुंच गए बनारस। बोले तो हर हर महादेव। और इस तरफ है भाई गंगा नदी, हम लोग जाएंगे काशी विश्वनाथ, वहाँ पे नहाएंगे और मज़ा बहुत आया भाई। सब लोग आए, मम्मी भी है, सभी भी है, हम भी हैं और मामा गए अभी गाड़ी पार करने, पार करके आएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे, वेट कर रहे हैं मामा का। और सभी फर्स्ट टाइम कहाँ आएगी, दर्शन करेंगे और अपने पाप भी थोड़े बहुत धुल लेंगे। तो चलते हैं गंगा नहाते हैं, आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं गंगा माँ के, है ना सभी? गाइस पानी की बोतल में पानी भी भर लिया, फुल ये घर के लिए है। और इधर सिबी भी नहा रही है। चलो आओ। हाँ चलो, मम्मा भी, मम्मा भी, मम्मा भी, देखो टिंगी 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 सिबी कैसे हाँ गाइस आधे घंटे नहा के भाई बहुत मजा आया, सिबी बहुत मजा ले रही है। अरे सिबी, अरे पापा डूब जाएंगे बेटा, बचाओ। अरे नहीं नहीं नहीं, बचाओ गंदी बात, गंदी बात, गंदी बात, मजाक कर रहे हो। चले सिबी, चले मोर, चले
गाइस बहुत मजा आया था यहाँ आके ना, बिल्कुल जो सुकून मिलता है ना यहाँ के आके 80 घाटों पे आइए, आराम से बैठिए थोड़ा आधे घंटे से, एकदम भाई दिमाग एकदम शांत हो जाता है, दिमाग एकदम शांत हो जाएगा। उसके बाद आप पानी में नहाएंगे ना तो भाई सारे पाप तो धुल जाते हैं गंगा में नहाने के बाद, तो ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। तो चलते हैं यहाँ से, अभी जाना है दर्शन करने, दर्शन करते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। चले तो उनको समय दीजिए और चलते पीती रहे यहाँ की, तो अपना स्वयं का लंगर गिरा के और उसमें अपने भोग को बांध दे, भोग के सारे बाहरी किसी भी घाट की बोतें जो आप लोग लंगर गिराए हैं आप लोग बांधे हैं, आप लोग स्वयं की भोग के लिए बांधे हैं कि बाहर की बोतों के लिए, अगर इसके बीच में किसी भी बोट पर पता चल Thank you.